माई चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में आप सभी का स्वागत है। 2021 स्टार्ट हो गया है और आप सभी लोग गोवा घूमने का प्लान जरूर बना रहे होंगे। मैंने गोवा के सारे बीचों का वीडियो बनाया है, लेकिन गोवा के सारे बीच 2021 में कैसे दिख रहे हैं इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। और बहुत सारे गोवा के बीचों और गोवा के टूरिस्ट वाली जगहों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे गोवा की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज है 3 जनवरी 2021 और मैं आपको गोवा का एक प्रसिद्ध बीच जिसका नाम है अरंबोल बीच आप लोगों को दिखाने के लिए आ गई हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। यह बीच मेन सिटी से दूर होने के कारण विदेशी पर्यटक का बहुत ही पसंदीदा बीच है। इस बीच को रशियन बीच के नाम से भी जाना जाता है और इस पहाड़ी के आगे स्वीट वाटर लेक है, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। स्वीट वाटर लेक का बहुत ही अच्छा व्यू है। अगर आप अरंबोल बीच आ रहे हैं तो इस बीच के साथ साथ स्वीट वाटर लेक विजिट करना मत भूलें। तो चलिए बीच के आगे तरफ ले चलती हूँ। इस बीच में इंटर करते ही अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो मानरेम बीच आएगा और जिस साइड में चल रही हूँ ये राइट साइड है। इसी साइड आगे चलने पर कालचा बीच जो पहाड़ी के पीछे स्वीट वाटर लेक के पास है। आप देख सकते हैं सारे रेस्टोरेंट और बीच सैक ओपन है। आप बिना कुछ पेमेंट किए हुए इन बेड में बैठ सकते हैं, लेकिन जिस रेस्टोरेंट का बेड होता है उस रेस्टोरेंट से आपको कुछ खाने या पीने के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा। बेड का कोई चार्ज नहीं है, बेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोच रहे होंगे कि इस बीच में कम पीपल है, यस बिल्कुल सही, क्योंकि यह रशियन लोगों का पसंदीदा बीच है, लेकिन पेंडेमिक के कारण अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आए हैं। लेकिन इस बीच की सुंदरता अलग ही है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, इस बीच के आसपास आप 400 से 800 रुपए में एक अच्छा सा कपल रूम बुक कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी बीच के पास इतना सस्ता रूम नहीं मिलेगा। अभी भी कुछ विदेशी पर्यटक इंडिया में है जो कि मार्च 2020 से इंडिया में है, वो अपने देश नहीं गए हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे मैं आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।